हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों ये देख लीजिए, पहचान कर लीजिए, यह बहुत ही कीमती पौधा है। यह पौधा जो है आपको सड़क के किनारे कहीं पर, जैसे गिल्ली जगह होगी, पानी खड़ा होगा, या गांव में जोड़ किनारे आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसके फ़ायदे जानकर दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। इसको जो है घास फूस समझते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चल सके आप जो है हमें कितना पसंद करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में देख लीजिए, हल्दी की प्रजाति का ही पौधा है, लेकिन पानी में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। ये फल जो है इसका बहुत ही ज़्यादा, जिन व्यक्तियों को जो कहते हैं कि भी हमारा सिस्टम स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, उनके लिए यह फल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा दोस्तों। लेकिन यदि आप जो है आपके घुटने में दर्द रहता है, या फिर आपके मोच पैर में मोच आ गई है, या आपके कहीं पे भी दर्द रहता है, तो इस पत्ते को आप जो है गरम तेल में या तवे पर सेक करके, गरम कर करके वहाँ पर गरम पट्टी के साथ बांध लें, जिससे ये क्या होगा, क्योंकि यह आपको बिल्कुल ठीक कर देगा दोस्तों, बिल्कुल सेट कर देगा आपका जो दर्द। इसमें जो है अनेक प्रकार के ऐसे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन यदि आप जो है इसको ज़्यादा सेवन ना करें, क्योंकि हो सकता है ये गर्म होता है और ये आपको फफोले कर सकता है। दोस्तों यदि आपके जो है कोई किसी प्रकार का खाज खुजली होता है, खाज खुजली के लिए भी आप इसको जो है अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। खाज खुजली के लिए आप क्या करेंगे कि आपने जो है इसके पत्तों को पीसना है दोस्तों, इसके पत्तों को पीसना है, हो सके ठंडल भी पीस लेना, क्योंकि इसका ठंडल जो है ज्वार के ठंडल की तरह होता है जिस प्रकार से, और ये पत्ते जो हल्दी के पत्ते की तरह होते हैं। दोस्तों आप जो है इसके ठंडल को पीसिए, इसके पत्तों को पीसिए, हो सके तो सिल बट्टे पर पीसिए, या आप कुंडी सोटा से भी कूट सकते हैं, लेकिन आपने जो है उसको वहाँ पर लगाना है जहाँ पर जो है आपको एलर्जी है या आपको जख्म वगैरह बना हुआ है, खारिश होती है, वहाँ पर इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों यदि आपके सर में दर्द रहता है, आपके सर में जो है पूरी तरीके से दर्द रहता है, तो उसके लिए भी आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी पत्तों को, इसके फल को सिल बट्टे पर कूट करके अच्छे से, उसके साथ जो है आप इसको सिर पर लेप कर लें दोस्तों। हाँ, सिर पर जो है इसका लेप कर लें और आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा दोस्तों। यदि आप जो है इसका, आप कहते हैं कि भी हमारा सिस्टम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए भी है जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपने इसके, ये जो है इसके फल को आप अच्छे से पीसिए। अच्छे से पीसने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर मसाज कर लीजिए, इसके जो पानी निकलेगा उसकी मसाज कर लीजिए। आपको 10 से 15 दिन में ही आराम मिलेगा दोस्तों, आपकी नसों की रोंगटे खड़े कर देगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।